बीजेपी के वरीय नेता सतीश चंद्र दुबे बुधवार को राज्यसभा के सांसद बन गए। वो निर्विरोध चुने गए। उन्हें विधानसभा के सचिव ने सर्टिफिकेट दिया। राज्यसभा में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सतीश चंद्र दुबे का कार्यकाल 7 जुलाई 2022 तक होगा। उनके विरोध में कोई भी नेता खड़ा नहीं हुआ था, न महागठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार था और न ही इसमें शामिल घटक दल की ओर से कोई ही प्रत्याशी खड़ा हुआ था। एनडीए में शामिल घटक दल जेडीयू ने भी उम्मीदवार देने में हाथ खड़े कर दिए थे। जल जमाव झेलते राजधानी पटना के ड्रेनेज सिस्टम का डीपीआर 10 सालों में भी पूरा नहीं हुआ। पटना नगर निगम ने दिसंबर 2009 में सिंगापुर के एक कंपनी मैनहट को डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन कंपनी 2012 तक भी डीपीआर तैयार नहीं कर पाई। इसके बाद ये मामला बुडको को ट्रांसफर हो गया। पिछले 7 सालों से बुडको ही इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, फिर भी डीपीआर अब तक तैयार नहीं हुआ है। विभाग की तरफ से जब इस कंपनी पर दबाव बनाया गया तो मैनहट ने जैसे तैसे एक रिपोर्ट सौंप दी। जब इसकी जांच की गई तो विभागीय अधिकारियों ने ही सवाल खड़े किए। मैनहट की बनाई आधी अधूरी डीपीआर में दर्जनों खामियां मौजूद हैं और ये कंपनी झारखंड में ब्लैकलिस्टेड है। बिहार में उपचुनाव को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज से चुनावी दौरे पर निकल रहे हैं। बिहार में लोकसभा की एक सीट के साथ 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव आज सिवान जिले के दरौंधा विधानसभा क्षेत्र के सिसवन प्रखंड स्थित चांदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार की एक लोकसभा सीट और 5 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह प्रचार नहीं करेंगे। बीजेपी ने बिहार में होने वाले उपचुनाव के लिए 35 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम गायब है। 35 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और प्रवक्ता शहनवाज हुसैन शामिल हैं। 21 अक्टूबर को समस्तीपुर लोकसभा सीट और किशनगंज, नाथनगर, बेलहर, सिमरी, बख्तियारपुर और धरौंदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। बिहार बोर्ड इंटर सेंटअप परीक्षा की डेट जारी कर दी गई है। सेंटअप परीक्षा 18 से 26 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बुधवार को परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया। बोर्ड ने कहा कि नियमित और स्वतंत्र कोटि के स्टूडेंट्स को भी सेंटअप परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। इंटर सेंटअप परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट्स ऑनलाइन एडमिट कार्ड ले सकते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यह एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।